सिंपल स्टेप वगैरह क्या है रिसर्च पेपर लिखने के लिए लेट इट बी ए रिव्यू पेपर लेट इट बी ए कॉन्फ्रेंस पेपर लेट इट बी ए बुक चैप्टर अगर आप शुरुआत करना चाहते हो किस पॉइंट से स्टार्ट करो क्या क्या स्टेप होता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा जो जो अप्रोचेस डिफरेंट एक्सपर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है उसको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे सो दैट यू कैन एबल टू विजुअलाइज एंड इट इज टोटली अप टू यू तो आप अपने हिसाब से उसको एक नए तरीके से भी फॉलो कर सकते हो

तो यहां पे आज हम जो बात कर रहे हैं कि स्टेप क्या होना चाहिए तो फर्स्ट स्टेप ये हमने लिया है द टेन स्टेप फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सिलेक्ट सब्जेक्ट जो आपको भी पता है मैंने एक वीडियो बनाया था वहां पे बताया था कि आपको कहाँ से शुरुआत करना है फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट ए सब्जेक्ट एक ब्रॉड एरिया पे अगर आप काम करो मतलब आप अपना स्ट्रेंथ देखो किसके ऊपर आपको नॉलेज ज्यादा है किस फील्ड पे आपको इंटरेस्ट है देन उसको फिर नेरोडाउन करो नो देट पर्टिकुलर यू नो टॉपिक और यू कैन थिंक ऑफ स्पेशलाइजेशन जैसे हम बी टेक के बाद एम टेक करने जाते हैं अगर आप यू you नो know, आप अंडर ग्रेजुएट पर हो पोस्ट ग्रेजुएट पर जब जा रहे हो थोड़ा नेरोडाउन होते हो फिर पी एच डी पे जा रहे हो और नेरोउन होते हो सिमिलरलीरोन द टॉपिक स्टेट दबजेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है सो देट वेल्प यू यू नो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो देन फॉर्म अपलिमिलरी बिब्लोग्राफी दिस इज नथिंग बट आप लिटरेचर रिव्यू भी आप यहाँ पे बोल सकते हो जो आप खोजोगे जो लिटरेचर आप ढूंढोगे सिस्टमेटिक वे ऑफ लिटरेचर सर्च होता है मेटा एनालिसिस होता है हम इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं वी हैव मेड सेवरल वीडियो ऑन दैट ई आई टूल वगैरह कैसे यूज करके लिटरेचर रिव्यू किया जाए डू एक्सप्लोर दोडियोज एज वेल एंड एक बार आपका लिटरेचर रिव्यू आपने परफॉर्म कर लिया देन आप एक वॉकिंग आउटलाइन आप बना दो उसके बाद आप यू you नो know, आप अपना एक नोट बनाओ ड्राफ्ट वगैरह बनाते जाओ जो जो पॉइंट आपको मिला हुआ है देन यू कैन मेक ए आउटलाइन ऑफ द पेपर आपका पेपर का आउटलाइन क्या होगा हम इसके ऊपर इन डिटेल भी बात करेंगे यहाँ पे क्या आउटलाइन क्या होता है राइट रफ ड्राफ्ट एक रफ ड्राफ्ट आप बना दो देन यू कैन थिंक ऑफ एडिटिंग योर पेपर मतलब ये स्टेप फॉलो करते हुए फिर आप अपना जो काम कर रहे हो लेट बी ए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटेशन के उसका जो रिजल्ट आया है उसको आप डालना चाहते हो तो ऑल दैट स्टेफ यू नो कैन बी एप्लीकेबल जहाँ पे लिटरेचर रिव्यू आप करोगे एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हो तो एडिट फिर आप करो फाइनल एडिट देन यू कैन थिंक ऑफ राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट एंड जो आप फिर फर्दर सबमिट करोगे तो ये एक अप्रोच हो गया देन लेट्स लुक इन टू सिक्स सिंपल अप्रोच अभी टेन मैंने थोड़ा ब्रॉडली आपको बताया फिर अभी नेरोडाउन करते हैं यहाँ पे छह अप्रोचेस के बारे में बताया गया है And एंड अंडरस्टैंड दसाइनमेंट एंड सेट इसल तो आपको एक जो असाइनमेंट मिला है और जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसके बारे में पहले आपको नॉलेज होना चाहिए और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है फिर narrow down किया है you have to understand that then finding a topic and question जो आपने objective वहाँ पे set किया था यहाँ पे topic एक्चुअल यू नो जो narrow down टॉपिक है जो specialized टॉपिक है जो कि रिसर्च गैप हम बोलते हैं जिस एरिया पे आपको कम करना है उसको आपको फाइंड आउट करना है एंड क्वेश्चन वगैरह फ्रेम करना है देन बिगिन द रिसर्च आप अपना रिसर्च स्टार्ट करो उस एरिया पे अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हो यू you नो know? आपने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है आपने देखा है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे काम हो सकता है एंड यू हैव दैट नॉलेज यू हैव सम सॉफ्ट स्किल दैट यू कैन वर्क ऑन आप सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच पे भी जा सकते हो हार्डवेयर बना के भी जा सकते हो दैट इज अप टू यू

यहाँ पे आई एम आर ए डी जो हम बोलते हैं वो स्टैंडर्ड होता है जहाँ पे इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट डिस्कशन होता है कोई भी एक पेपर आप पकड़ लो ये सभी में मतलब आप अगर कहीं पे सबमिट करोगे बेसिकली द रिव्यूअर और द एडिटर दे विल लुक इन टू योर पेपर स्ट्रक्चर कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट वो पेपर पे है कि नहीं अदर देन दैट ही हैज सजेस्टेड ऑल दिस फोर कंपोनेंट तो यहाँ पे फाइव एकेडमिक यू नो यू कैन थिंक ऑफ ए फ्रेमवर्क ही हैज सजेस्टेड जो कि आपको हेल्प करेगा

बेनिफिट क्या है ऑल दैट यू नो टेकन कैन दैटन इन टू कंसिडरेशन ये एक हो गया फ्रेमवर्क देन यू माइ डे अबाउट नवेद आई फॉलो हिम यू नो पे मैं उनको फॉलो करता हूँ बहुत सारा अच्छा अच्छा एकेडमिक पोस्ट रिसर्च रिलेटेड पोस्ट उनसे आता है एंड वन पोस्ट टेन सिंपल रूल फॉर राइटिंग फ्रेमवर्क आई थिंक टेकन इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स एंड ही हैज ईज इट जहाँ पे बताया जा रहा है कि मेक इट ए गाइडिंग फोर्स जो आप प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप कर रहे हो यू you नो know, वहां पे आपको उसको अगर पेपर ओरिएंटेड आपका फ्रेमवर्क और आपका माइंडसेट है तो उस हिसाब से उसको उसको ढालो उस डायरेक्शन पे लेके जाना है देन बी कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव आपको फाइंड आउट करना है ज्यादा ब्रॉड नहीं होना है जो प्रोजेक्ट है उसको निर्डाउन करके जिस एरिया पे उसका एप्लीकेशन आ रहा है जो रिजल्ट वगैरह आ रहा है उस पर जाना है लेस इज मोर यू डू नॉट नीड टू लुक फॉरवर्ड टू यू नो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपका दो तीन ऑब्जेक्टिव आप अगर मीट कर पा रहे हो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट है साइन तो उसके ऊपर आप काम करो देन यूज द थर्ड परसन थर्ड यू नो पर्सन लैंग्वेज ऑल्सो आप जब भी हम पेपर यूज करते हैं वहां पर नॉर्मली हम यूज करते हैं राइट इट इन द थर्ड परसन टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड एवॉइड वॉयस जैसे कि आई वईल

आई डू फॉलो हिम आई थिंक लिंकेंड से मैंने ये पोस्ट उनका लिया था जहाँ पे कि यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा यू नो सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक uh, फ, फिल्म अगर आप देखते हो उस हिसाब से बताया गया है कि फर्स्ट पे हम वहाँ पर ओपनर जहाँ पे इंट्रोडक्शन you know, पार्ट आ गया कोई भी पेपर पर पे क्या होता है आप कैचारू नो इंट्रोडक्शन वो आ you know, introduction हुआ गया जो इंट्रोडक्शन पार्ट पे हो, हो रहा है तो वहाँ पर आपका बेसिकली आप स्टोरी को सेट कर रहे हो एंड देन लियन द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम जो आपने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे आ गया द फोर्स दैट कम्पेल्स योर मैन करेक्टर टू वर्क आपका जो बाद में जो मेथड वगैरह है उसके ऊपर वो प्रॉब्लम के ऊपर वो काम करेगा सो दिस इज वायर द विलियन और द प्रॉब्लम इज देन हीरो और हीरो क्या है यहाँ पर मैथोलॉजी है जो आपका एक्चुअली एक्शन करेगा एंड टेक यू नो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम और वेलियन को उसको हटाएगा मतलब रास्ते से हटाएगा एंड नेक्स्ट यू सी इज़ योर क्लाइमैक्स दैट इज़ अ फाइंडिंग जो रिजल्ट वगैरह आता है आप उसको रिलेट कर सकते हो देन डिस्कशन रिजोल्यूशन जहाँ पे कि आपको शुरुआत से पताना होता है क्या एडवांटेज है क्या लिमिटेशन है क्या कंपेटिव यू नो आप दूसरे मेथड के साथ यहाँ पे कंपेयर करोगे एंड द एंडिंग और द कंक्लूजन एंड ईच ब्लॉक और ईच यू नो पोर्सन आपका इंट्रोडक्शन हो गया देन द प्रॉब्लम हो गया देन द मेथोलॉजी हो गया ईच हैजू फिट मतलब एक एक आप ऐसे ट्रेन बॉगी जैसा समझ सकते हो अगर एक मिसिंग है तो आपका फिर यहाँ पे पेपर का वो पर्टिकुलर पेपर उतना यू नो फ्रूटफुल नहीं होगा उतना वेटेज नहीं आएगा तो ईच हैज टू बी लिंकिंग फोर्स एक कनेक्शन होना चाहिए सभी ब्लॉक के दरमियान तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन मैंने देखा था देन देन मोहम्मद ही एस्टेटेड यहाँ पे आप देखो सिलेक्टेड टॉपिक जो हमने पहले भी बात किया था then identify the research problem आ गया then collect the relevant data analyze that particular data then write the research paper proofread and improvise then you can think of submitting it so these are the step you know आपका literature review part आपका introduction पे आ जाएगा जब आप topic select कर रहे हो problem find out कर रहे हो gap वगैरह वहाँ पे आपको देखना है research gap and then you have to act on those particular problem और जो objective आपने frame किया उसके ऊपर आपको काम करना है आपका method आपको देखना है किस वे से आप उसको आपका स्ट्रेंथ क्या है कैसे आप उसको टैकल करोगे ऑल दैट देन एक देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल मेरा वॉयस शायद थोड़ा सा ऑड साउंड कर रहा हो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण बट मैं सोचा कि जो फ्लो है वो बंद ना हो वीडियो वगैरह टाइमली आते रहे सो यू कैन एक्सक्यूज मी ऑन दैट पार्ट एंड जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल आई दिस प्रेजेंटेशन विच इज़ यू नो पार्ट ऑफ एल्सवियर यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया इवन जो हमने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था लिंक किया था मतलब वहाँ पे सेगमेंट किया था या सिमिलरली अब देखो टाइटल एब्स्ट्रैक्ट की और उसका हेड पोर्सन हो गया द मीड पर्सन द मैन टेक्स्ट और मैन बॉडी पर्सन पे इंट्रोडक्शन मेथर्स रिजल्ट डिस्कशन आ गया कंक्लूजन एक्नोलॉज रेफरेंसेज सप्लीमेंट्री आपका ये पार्ट हो गया तो कोई एक पार्ट अगर मिसिंग है तो कम्प्लीट नहीं है उस उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो एंड सभी कंपोनेंट होना चाहिए आपका रिसर्च पेपर पे और वो पेपर जो आप सोच रहे हो टू सबमिट टू ए जर्नल टू टू कॉन्फ्रेंस बुक चैप्टर जहाँ पे भी तो स्ट्रक्चर समुआ कमन होता है रिव्यू आर्टिकल वगैरह पे थोड़ा डिफरेंट होता है हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आएगा एंड देन यू सी आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो मतलब हम कहाँ से यहाँ पे स्टार्ट करें Uh, जैसे कि आप सोच रहे हो कि एपस्ट टाइटल वगैरह सब पहले होता है तो वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए नो no, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एक टॉपिक पे काम कर रहे हो एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो नो no, जो प्रो, प्रो, प्रॉब्लम वगैरह आपने फाइंड आउट किया तो आपका डेटा फिगर टेबल वो पहले आ जाएगा आपके पास होगा तो उसको पास पहले आप ड्राफ्ट फेज पर रखिए सजा के रखिए देन मेथड रिजल्ट डिस्कशन पे काम कीजिए उसको बनाइए फिर कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखिए फिर टाइटल एंड एपस्टर की नीचे से मतलब हम थोड़ा बहुत नीचे से आ रहे हैं कंक्लूजन तो पूरा नीचे होता है फिर यहां पे आ गया फिर उसको रीअरेंज कीजिए उसको सजा के रखिए कैसे आपको सजाना है इस हिसाब से आप सजा के रखिए एबस्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट डिस्कशन रेफरेंसेस दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो एक पेपर से मैंने लिया है एल्स पे अवेलेबल है ओपन एस पे देन यहां पे आप देखो एब्सट्रैक्ट कंप्रसिव होना चाहिए जो कि हम बात किए हैं स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड्रैक्ट बट वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट कंक्लूजन से एक एक दो दो लाइन होना मतलब हो, होना चाहिए बेसिकली सो दैट इट कैन गिव यू मतलब आप अगर एक पेपर खोज रहे हो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते आप हो आप अगर रीडर हो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो आप बेसिकली टाइटल एंड एब्सट्रैक्ट से आप सोचोगे वेदर टू डीप डाइव मतलब वो पेपर को डिटेल में पढ़ना है नहीं पढ़ना सिमिलरली जब आप अपना पेपर लिख रहे हो आप उस माइंड ऑफ सेट माइंड सेट से अगर लिखोगे तो ईजी होगा ईजी टू द रीडर एंड ईजी फॉर यू सो दैट आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ जो आपका काम है जहाँ पे कि इंट्रोडक्शन से भी रहना चाहिए मेथड से भी रहना चाहिए रिजल्ट से भी एंड कंक्लूजन एंड टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है मैंने बताया था यूनिक टाइटल थोड़ा बहुत होना चाहिए आप एक बार सर्च करो गूगल स्कॉलर पे भी आके अपना टाइटल सर्च कर सकते हो देखो सिमिलर एग्जैक्ट की वर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा है थोड़ा अलग है नहीं है बिकॉज अगर एग्जैक्ट होगा देन यू मै नॉट यू नो पीपल मै नॉट लेंट टू योर पेपर जो पहले पब्लिश हुआ होगा जिसको ज़्यादा साइटेशन मिला है वहाँ पे शायद जाए तो थोड़ा बहुत यूनिक रखने के लिए ट्राई करना है एंड की वर्ड वहाँ पे रहना है जो की वर्ड आप यूज कर रहे हो बॉडी पे जहाँ पे मतलब आपका एब्सट्रैक्ट पे है आप टाइटल पर भी उसको रख सकते हो दैन मेथड आ गया रिजल्ट सेक्शन आ जाएगा जो आपका रिजल्ट मिला हुआ है डिस्कशन रेफरेंसेस सो दिस अबाउट दिस आई हैव डिस्कस इट इन दैट फर्स्ट वीडियो कि क्या रहना चाहिए बट यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड यू कैन थिंक ऑफ थिंक अबाउट इट एंड डू लेट मी नो कि हमने यहाँ पे कुछ मिस आउट किया नहीं किया है बिफोर लिविंग प्लीज इट द लाइक आई कन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू विजिट टू आवर वेबसाइट एज आईव सजेस्टेड कि उसके थ्रू हम सर्विसज वगैरह प्रोवाइड करेंगे एंड यू हैव टू बी पैसन क्योंकि मेरा उतना बड़ा वर्क फोर्स नहीं है एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व यूर क्वेरी वन बाई वन एंड सीवली विल गेट बैक टू यू ऑन यूर क्वेरी आप कॉल मत कीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया ई मेल कीजिए विल गेट बैक टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब